देखिए दोस्तों, ये टू डेक्स मशीन है। टू डेक्स मशीन का एयर कैसे निकालते हैं हम, ब्रेक का एयर कैसे निकालना पड़ता है आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, ये एक हमारा एक्सल है। एक्सल के ऊपर ये एडाप्टर रहता है 12-13 का। ये एडाप्टर खोल लिया हमने। अब वो ऑपरेटर को ऊपर से ब्रेक दबाने के लिए बोलेंगे। डावा डावा दबा ब्रेक, हेलो डावा ब्रेक दबा, डावा सिंगल इकड़ला, हाँ दबा दबा, हाँ दाबून ठेवा, आता दाबून ठेवा, फक्त दाबून ठेवा, कंटिन्यू असं दाबूनच ठेवा। अभी हमने एयर निकाल लिया इसका, इसको दबा के रखने लगा रहे हैं ऑपरेटर के हाथ से, और इसको टाइट कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ का एयर निकल गया दोस्तों। हाँ तो छोड़ा था, अभी ऐसे ही दोस्तों ये हो गया लेफ्ट। अभी राइट साइड का करेंगे। राइट साइड का देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इसको अभी 12-13 के पानी से फिर से हम खोल लेंगे। 12-13 का रिंग लगाएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए, अभी हमने 12-13 का पाना रिंग लगा के इसको लूज कर लिया है। बहु आधा सिंगल राइट दबा, सिंगल राइट, हाँ दबा दबा, एक दो मिनट दबा, बस 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 दाबून ठेवा, था दाबून ठेवा, अच्छी तरीके से इसका निकल जाएगा दोस्तों। इसको इसको पेडल को दोस्तों दबा के रखना, दबा के रख कर बोलना है आपको ऑपरेटर को, और हाथों से टाइट कर लेना है। ठीक है, छोड़ा था पेडल, उसके बाद जैसे अपने टाइट कर लिया तो पेडल छोड़ देना दोस्तों। ऐसे ही अल्टरनेटली दोनों ब्रेक का ऐसे एयर निकालते हैं दोस्तों। ये 3DS मशीन में भी ऐसे हम एयर निकालते हैं। और मैं दिखाता हूँ जो सामने की जो हमारी डब्बी रहती है, वो डब्बी को भी खुला रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे हमने एयर निकाल लिया तो इसका ये जो इसका जो ब्रेक ऑयल का लेवल है, ये मिनिमम मार्क से लेवल आ गया, लेवल के नीचे से आ गया दोस्तों। तो इसको हमको लेवल करना ज़रूरी है। तो ये मिनिमम लेवल है और मैक्सिमम, इसके दोनों के बीच में हमको ही ऑयल लेवल रखना पड़ेगा। यहाँ तक कर लिया फिर मैक्सिमम, और इसमें हमने GCP का ही हाइड्रोलिक ऑयल डाला है लेवल करने के लिए। तो याद रहे दोस्तों, दूसरा कोई ब्रेक ऑयल इसमें नहीं चाहिए अपने को, खाली GCP का ही हमें ऑयल लगता है दोस्तों। इसको क्या अच्छे से लगा लेंगे, ये ऑयल हमने यूज़ किया था दोस्तों इसके डालने के लिए। तो ये प्रोसेस है दोस्तों एयर निकालने का, ब्रेक जब हमारा नहीं लगता है तो। तो अगर ब्रेक नहीं लगता है और एयर हमने निकाल भी लिया तो भी प्रॉब्लम जा रहा है, तो दोस्तों आपको जो देख रहे हैं वो मास्टर सिलेंडर, वो मास्टर सिलेंडर पे आपको मतलब देखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद का प्रॉब्लम वो भी हो सकता है, या ब्रेक का दूसरा कोई भी इश्यू हो सकता है दोस्तों। तो याद रहे दोस्तों, एयर ऐसे निकालने पड़ता है। फिर से एक बार मैं आपको समरी बताता हूँ। इसको खोल लेंगे दोस्तों। खोलने के बाद उधर का 12-13 का जो एडाप्टर रहता है नीचे का एक्सल के पास के, वन बाय वन दोनों एयर निकाल लेंगे। एयर निकालते टाइम पे ब्रेक दबाने रखना का, और एयर जैसे निकालता है तो लास्ट टाइम पे आपको ब्रेक दबा के ही रखने पड़ते हैं, और उसी टाइम पे आपको एडाप्टर टाइट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी फिलहाल में अभी एयर निकाला हमने। एयर निकालने के बाद इसका ट्रायल लिया मशीन का। तो इसका क्या है दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेक है हमारा, वो पूरा लग रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा अंदर जा रहा है, और राइट साइड का पूरा नहीं जा रहा है अंदर, देख सकते हैं। ये दोनों कॉम्बो होते हैं, कॉम्बो टाइप में। तो ये पूरा अंदर जा रहा है, ये पूरा अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ तक ही रुक रहा है, देख सकते हैं। 1 इंच तक जा रहा है, ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच तक अंदर जा रहा है। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो समझ लो, ये अगर कोई भी एक आपका ब्रेक अंदर जाएगा तो आपको पूरा इसके दोनों मास्टर सिलेंडर चेंज करने पड़ते हैं। लोडर के अंदर रहता है इधर वो, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बताया।